टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस चौराहा, मेरठ। भ्रष्टाचार के आरोपों से मेरठ का डोडा ऑफिस मुक्त नहीं हो पाया। जिस कर्मचारी का बीते दिवस 20,000 की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, वह आउटसोर्सिंग पर था। आउटसोर्सिंग एजेंसी भी सीधे निदेशालय द्वारा ही अलॉट की गई थी, यानी रिश्वतखोरी की आंच निदेशालय तक पहुंच गई है। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने निदेशालय को पत्र लिखकर कर्मचारी को हटाने व संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करने के लिए कहा है। जिस पीड़ित व्यक्ति ने रिश्वतखोरी का यह वीडियो वायरल किया था, उसका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए उसे पैसे के लिए काफी समय से बाध्य किया जा रहा था। मजबूर होकर उसने 20,000 रुपए दिए, लेकिन साथ ही रुपए देते हुए वीडियो भी बना ली। इस वीडियो में वह व्यक्ति 500-500 रुपए के नोट गिनते और कर्मचारी अमित को देता साफ नजर आ रहा है। मामला चूंकि चोरी छिपे का है, लिहाजा अमित की पैसे जेब में रखते हुए हड़बड़ी साफ नजर आ रही है, कुछ इस तरह जैसे कोई देख ना ले। देखिए वह वायरल वीडियो। आपके 20,000 रुपए लिए जा रहे हैं शफीक द्वारा, भगवान का जल्दी कह रहा हूँ। हमें 1 रुपये ले रखे सर, तय कर रखे 20,000 रुपये, हमने 20,000 तय कर रखे सबसे, ठीक है। आने के बाद पैसे लेंगे, पहले 1 रुपये ले रखे। इस बारे में आज मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मीडिया को यह जानकारी दी। नहीं देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जो उधर आउटसोर्सिंग के व्यक्ति हैं उनके द्वारा कुछ किसी से पैसे लिए जा रहे हैं। उसमें कोई ये प्रूव नहीं हुआ कि वो पैसे किस लिए लिए जा रहे हैं क्या है, पर प्रथम दृष्टया ये मानते हुए कि ये पैसा कुछ आवासों में और किसी के द्वारा लिया गया है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो निदेशालय से चूज़ की गई थी, तो हमने उस व्यक्ति और आउटसोर्सिंग एजेंसी के अगेंस्ट और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की रिपोर्ट भेज दी, और मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में उसके पर कार्रवाई भी हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।